हावड़ा ब्रिज कोलकाता में सबसे अधिक मान्यता प्राप्त स्थलों में से एक है। कोलकाता को अपने पड़ोसी औद्योगिक शहर हावड़ा से जोड़कर हुगली नदी के ऊपर 1862 में पहली बार हावड़ा ब्रिज का निर्माण प्रस्तावित था। बाद में 1800 के दशक में हावड़ा और कोलकाता के बीच एक पंटून पुल या फ्लोटिंग ब्रिज बनाया गया, लेकिन यह काफी मजबूत नहीं था। दो शहरों के बीच भारी ट्रैफिक को संभालने के लिए या क्षेत्र में लगातार तूफानों के मौसम के लिए, इसलिए बंगाल सरकार ने विकल्प तलाशना जारी रखा और कई दशकों बाद नए पुल को आखिरकार चालू कर दिया गया। इसे बनाने का ठेका द ब्रेथवेट बन और जेसो कंस्ट्रक्शन कंपनी नामक कंपनी को दिया गया। नट और बोल्ट के बिना निर्मित हावड़ा ब्रिज का गठन पूरी इस्पात संरचना को काटकर किया गया था। पुल आधिकारिक तौर पर 1943 में खोला गया था, जब यह दुनिया का तीसरा सबसे लंबा कैंटिलीवर पुल था। आज यह दुनिया में अपने प्रकार का छठा सबसे लंबा पुल है। हावड़ा ब्रिज को दुनिया का सबसे व्यस्त कैंटिलीवर ब्रिज भी माना जाता है। यह लगभग 1,00,000 वाहनों को संभालता है और हर दिन 1,50,000 से अधिक पैदल यात्री, जबकि पुल शहर के प्रमुख आकर्षणों में से एक है। हावड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन अपने हावड़ा छोर पर स्थित है, जो देश के सबसे पुराने रेलवे स्टेशन के रूप में बहुत ऐतिहासिक महत्व का एक और स्थल है।